फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ जी छत पे और अभी शाम का टाइम है और कराची का मौसम बहुत खूबसूरत है और ये देखें जी हमारे सारे क्रिकेटर यहाँ जमा हुए हैं और रेनू है और एनू मैथो है और हमारी एक दोस्त है वो आई है और उसके बच्चे हैं, ये सब खेल रहे हैं। ये देखें जी ये हमारी दोस्त की है बेटी छाया। तो ये देखें जी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और बादल देखें कितने ज़बरदस्त हैं, बारिश होने वाली है। बादल तो रोज़ होते हैं, कल भी बूंदाबांदी हुई है लेकिन बारिश नहीं होती। ओए भाई शोर कम करो। शोर बहुत मचा रहे हैं बच्चे। ये देखें जी बादल देखें कितना ज़बरदस्त है और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और बादल देखें। ये देखें जी सामने हमारे घर के सामने है बाड़ा और वो देखें जी गाय ने बच्चे भी दिए हुए और वो देखें कबूतर वे सारे। बहुत ज़बरदस्त मौसम है और ये जी बच्चा बहुत ज़बरदस्त ढोलकी बजाता है चर्च में, तो खुदा ने इसको ये खिदमत दी है कि ये चर्च में ढोलकी बजाता है। तो ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। ये जो साथ वाला घर है ये भी मेरी दोस्त का घर है, तो ये भी घर उनका बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो वो मुझे बच्चियाँ कह रही थी कि किसी दिन आप हमारे घर की वीडियो भी बनाना, तो बहुत खूबसूरत घर है। मैं किसी दिन जा गई तो फिर मैं आपको अंदर से भी उनका घर दिखाऊंगी। और वो देख कबूतर और बहुत मज़े का मौसम हो रहा है कराची का। कराची में गर्मी बहुत है लेकिन बस ये है कि हवा चलती है और बादल हो जाते हैं तो थोड़ा मौसम सही हो जाता है कि इंसान जिंदा है, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलें जी मैं अभी जा रही हूँ नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ नीचे वाला जो पोर्शन था जो इधर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पे एक फैमिली आई है रहने के लिए, तो वो अभी सफाई वगैरह कर रहे हैं, घर साफ़ कर रहे हैं, साथ साथ वो थोड़ा उनको बना के भी देंगे। तो जैसे मतलब वो पैसे देते जाएंगे तो वो बना के देंगे तो फिर उनके रहने के भी काबिल हो जाएगा। अभी तो वो थोड़ा मतलब रह रहे हैं साथ ही सबके कुछ। और वो देखें जी गली में हमारे आंटी एक बना रही हैं सेवैयाँ हाथ से, वो देखें। हाँ जी वो देखें जी आंटी हाथ से सेवैयाँ बना रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गांव की याद आ रही, गांव में ऐसे सेवैयाँ बनाते हैं हाथ से। तो वो देखें जी मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ। वो देखें आंटी अपने दरवाजे के सामने बैठ के मैं दोपहर को देख रही थी तो वो सेवैयाँ बना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इन्होंने आटा भी रखा हुआ है, आटा भी बेचते हैं बहुत सस्ता, तो ये भी हमें सहूलत होगी कि हमारे घर के पास ही है। और वो सामने भी दूध वाली दुकान है, दूध भी इस टाइम पे मिल रहा है। तो अभी चलते हैं जी ऊपर और मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और अशरफ के लिए बन रही है दाल। तो अशरफ कढ़ी देख के तो फिर अशरफ का दिल करेगा कढ़ी खाने को, तो लेकिन मुझे रेनू कह रही थी कि मैंने कढ़ी खानी है, काफ़ी दिन हो गए हमने कढ़ी नहीं बनाई, तो मम्मा आज कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी पकौड़े हम अशरफ के आने से पहले पहले बना के खा लेंगे। ये जी अशरफ के लिए दाल बना रही हूँ साबुत मूंग की, सिर्फ इसमें काली मिर्ची है और हरी मिर्ची है। और मैंने इस तरफ रखी है कढ़ी, कढ़ी मैं आपको दिखाती हूँ। और गर्मी इतनी है कि फिर मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत गर्मी है। मैं रख के तो मैं थोड़ी देर मतलब इधर उधर हो जाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, सांस नहीं लिया जाता। तो अभी हमने पहली को फिर जाना है हॉस्पिटल अशरफ को लेके, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि महीने के बाद आपने आना है, तो एक महीना हो जाएगा। तो हम पहली तारीख को जाएंगे हॉस्पिटल, अशरफ को लेके जाऊंगी मैं, फिर वो बताएंगे कि मेडिसिन अब क्या करनी है,
कि कितनी देर और खानी है। उन्होंने तो बोला था कि बाकी तीन जो मेडिसिन है वो आप सारी ज़िंदगी अब खाओगे, बीपी की है और दूसरी है कुछ मेडिसिन, तीन मेडिसिन है जो आपको बाद में खानी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं, खुदा करे कि बाकी ये भी सब ख़त्म ही हो जाए मेडिसिन तो, क्योंकि अशरफ बेचारे बहुत वो हैं परेशान, उनको खाने का दिल करता है चीज़ें, लेकिन फिर वो अपनी तबीयत की वजह से कहते हैं कि नहीं चले ठीक है कोई मसला नहीं। मैं इनको ये कहती हूँ कि आपकी तबीयत सही हो जाए तो कोई बात नहीं, खाना पीना तो लगा ही रहेगा सारी ज़िंदगी, ज़िंदगी के साथ है। ये देखो पसीना इतना आ गया मुझे, बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी हो रही है कराची में, और पंजाब में तो कह रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं। तो बस मैंने तेल, मैं लगा बोलती हूँ लगाऊंगी तेल सर में क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो लेकिन गर्मी इतनी है कि दिल नहीं करता तेल लगाने को। तो चलें जी, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो करना लाइक शेयर, चैनल करना सब्सक्राइब। ओके बाय। और मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, मैंने बनाया पकौड़ों का मसाला, तो मैं पकौड़े भी बना रही हूँ साथ में। तो ये देखें जी, मैंने पकौड़ों का मसाला बना के रख दिया है, तभी मैं पकौड़े फ्राई करूँगी, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी या फिर काम करूँगी, क्योंकि रेनू ऊपर है तो वो रेनू आ नहीं रही नीचे, वो कह रही बहुत गर्मी है, तो बच्चे सारे ऊपर खेल रहे हैं और अंधेरा हो गया, वो देखें कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है, अब लग रहा है कि बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, एक दफ़ा बारिश हो जाए खुल के थोड़ा मौसम जो गर्मी बहुत ज़्यादा है कम हो जाए। तो चलें जी, फिर मिलेंगे कल किसी और अच्छी सी वीडियो में, बाय।